करूंगा सर। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से अखिलेश जी ने अभी ये जो 5 दिवसीय वर्कशॉप आज प्रारंभ हो रही है, जिसमें इस समय मैं देख रहा हूँ कि 147-148 लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं तो मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र नरूला जी से कि मेरी जो पीपीटी है वो जरा शेयर करेंगे। अभी जैसा अखिलेश जी ने बताया कि अपनी ये जो सारी वर्कशॉप है, इसकी मूल पृष्ठभूमि है कि हम मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे राज्य में सर्वदूर सब लोगों तक आनंद के उपकरण, आनंद की विधि, आनंद की समझ ये पहुंचा सकें। उसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग जो इस कार्य में लगे हैं, हम स्वयं समझ सकें और उसका अभ्यास कर सकें और फिर उसकी शेयरिंग बाकी समाज के साथ कर सकें। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं लगभग 30 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम एक बार स्वयं में विचार करें तो ध्यान में आता है कि आनंद के लिए 3 आधार बहुत आवश्यक है। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ वातावरण। अभी जैसे अखिलेश जी ने बताया कि जो भी बात यहाँ से अलग अलग सत्रों में कही जाएगी उसको आप वैसा क्या वैसा मान लें ये आवश्यक नहीं है। उसको स्वयं में जांचना और फिर अपने मन के अंदर जो भी इसके संबंध में प्रश्न आते हैं उनको, जब प्रश्नों के लिए समय दिया जाता है, उन प्रश्नों को पूछना और इस माध्यम से, इस प्रक्रिया से हम लोग इस 5 दिनों में अगर चलेंगे तो इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो ये आधार ऐसा है कि नहीं है इसको देखते हैं। तो आनंद क्या है, कैसे उसकी निरंतरता होती है, तो ध्यान में आता है कि अगर आनंद शब्द को ही हम आगे बढ़ाएं तो 2 अ और जमा नंद, इस प्रकार से इसका हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये पहले 2 अ जो हैं वो अभाव की बात कहते हैं कि जहां पर नंद का, प्रसन्नता का, सुख का, आनंद, जो प्रसन्नता का अभाव नहीं हो, अभाव का अभाव, एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस, तो सुख के अभाव का अभाव जो है वो आनंद है। यानी रत्ती भर भी अभाव नहीं, तो इसका अर्थ है कि सुख की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। और इसको और भी शब्दों में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो ये सब इंगित उसी दिशा में करते हैं कि निरंतरता में सुख का अनुभव करना। तो आनंद शब्द जो है वो एक पूर्णता के रूप में इस दिशा में अपने को बढ़ाता है। तो ऐसा आनंद कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, कैसा अपने अंदर कैसे महसूस कर सकते हैं, तो सामान्यतः जो लोग समझते हैं, जो प्रचलित सोच है आज समाज के अंदर, तो लगता है कि अनुकूल संवेदनाओं का अगर आस्वादन होता है, मुझे मीठी चीज ज्यादा पसंद है, मीठी चीज मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सुख की प्राप्ति हो रही है। मुझे अगर गर्मी लग रही है और इस समय पर बढ़िया एसी मुझे मिल जाए तो मेरे शरीर को बहुत अच्छा लगता है, लगता है बहुत सुखी हूं मैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ठिठुर रहा हूं, और मुझे बढ़िया कंबल मिल जाए, बढ़िया हीटर मिल जाए तो मुझे लगता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। तो इसका अर्थ है कि अनुकूल संवेदनाएं, कि शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, अगर इस प्रकार ही आसपास में अनुकूलता होती है और उसका अगर मुझे आस्वादन होता है, उसको उसकी प्राप्ति होती है, तो मैं सुख का अनुभव करूंगा ऐसा लगता है। या फिर लगता है कि
अगर दूसरा मेरे प्रति कृतज्ञ होता है, दूसरा मेरा ध्यान रखता है, दूसरा मुझे प्रेम करता है, दूसरा मुझे सम्मान देता है, मेरी वाहवाही करता है, दूसरा मेरे ऊपर विश्वास करता है, तब बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो लगता है कि मैं दुखी हो जाऊंगा। तो दूसरे से मुझे कुछ प्राप्त होना है तो उससे मैं सुखी होता हूँ, ये कई बार लगता है। दूसरा है कि अगर मेरे पास खूब सारी सुविधाएं हो जाएं, मेरे पास भोजन बनाने के सारी सामग्री हो, मेरे पास तरह तरह के वस्त्र हो, मेरे पास तरह तरह के यंत्र हो, मेरे पास सुविधाजनक मकान हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास मोबाइल हो, मेरे पास फ्रिज हो, मेरे पास टीवी, ऐसी सब सुविधाएं अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और तो जब सुख के बारे में इस प्रकार की कल्पना होती है तो फिर भाई मुझे करना क्या होगा, तो मुझे सुविधाओं को इकट्ठा करना, और कितनी सुविधाओं को इकट्ठा करना होगा तो कोई सीमा ही नहीं समझ में आती, तो लगता है कि असीमित सुविधाओं का संग्रह करना। और उसके लिए जो है तो फिर ध्यान में आता है कि अगर बहुत सारा पैसा होगा तो मैं बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठी कर सकूंगा, तो इसलिए लगता है कि पैसा होगा तो सुख मिल जाएगा, पैसा नहीं होगा तो गड़बड़ है। तो इस सारे में जो मूल मान्यता है वो ध्यान में आती है कि मानव यानी मैं बराबर शरीर है, और शरीर के लिए जो चीजें चाहिए वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए, वो मुझे अगर मिल जाएंगी जो मुझे मेरे शरीर को चाहिए तो उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की मान्यताओं से ध्यान में आता है कि क्षणिक सुख तो मिल पाता है बाहर से, सुविधा से या दूसरे व्यक्ति से, शरीर के माध्यम से, लेकिन वो केवल कुछ समय तक रहता है, कुछ समय तक वो अच्छा भी लगता है। पहले तो वो आवश्यकता लगती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल चाहिए, कंबल मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर ज्यादा कंबल रहे और उसकी कोई सीमा ना हो तो अरुचिकर लगना शुरू हो, अरे भाई गर्मी लग रही है, मुश्किल हो रही है, वो अनावश्यक लगने लगता है। और अगर वैसी स्थिति में और ज्यादा अगर मिलने लगे तो वो असहनीय भी हो जाता है, तो वो सहन नहीं होता है। ऐसे ही दूसरे से भाव पाकर के जब हम सुख की बात सोचते हैं तो वो भी क्षणिक रहती है, जब दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति के मन में दूसरे प्रकार का है तो लगता है कि हम उसके ऊपर अवलंबित हो गए, हम उसके ऊपर वो हो गए, और सुविधा संग्रह करके शेष प्रकृति से अगर हम चीजों को, तो हमें ध्यान में आता है कि प्रकृति में सब चीजें असीमित नहीं है। तो अगर हमारे मन में असीमित सुविधा संग्रह से सुख पाने की अगर समझ है तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। और एक और चीज रहती है कि हमको लगता है कि अगर हम दुख से दूर भागेंगे तो फिर शायद हम सुखी हो जाएंगे, तो कुछ ना लेने की बजाय कुछ छोड़ने की बात, कि अच्छा मैं अधिक खाने लग पड़ूं, अधिक सोने लग पड़ूं, कि क्या काम करना है, काम में मन नहीं लगना, फिर कुछ लोग गुटखा खाना, शराब पीना, नशा करना, और यहाँ तक कि आत्महत्या तक वो पहुंच जाते हैं। वास्तव में उसको आत्महत्या नहीं बोलना चाहिए, आत्मा की तो हत्या नहीं हो सकती, उसको शरीर हत्या ही बोलना चाहिए, और सुसाइड शब्द के लिए सही शब्द ये है। तो ये जो दोनों बातें हैं कि बाहर से सुविधा से और असीमित सुविधा संग्रह से हमें ध्यान में आता है कि आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, ऐसे ही दुख से दूर भागने से भी हम, मैं भूख से दूर भागना है तो खाता ही जाऊं, इस सब से भी मैं सुखी नहीं रह सकता हूं। और सामान्यतः हम इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं, कोशिश करते हैं ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, उससे सुख नहीं मिलता है तो ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं। तो कितना इकट्ठा करना और कितना छोड़ना, इसके बारे में जब समझ नहीं होती है तो फिर हम आनंद की दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। तो वास्तव में चाहिए क्या, तो ध्यान में आता है कि अगर हम अपने आसपास की पीछे की उसमें जाएंगे थोड़ा सा, पहली स्लाइड नरुला जी, हाँ,
तो अगर मेरे में स्वयं में सही समझ है, तो सही समझ स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, और उसमें जो व्यवस्था है, उसमें जो संगीत है, उसको अगर मैं समझ पाता हूँ, और मेरे अंदर स्वयं में जो सही भाव है, विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, इस प्रकार के जो भाव हैं, तो उस दिशा में अगर मैं बढ़ पाता हूँ, तो मैं मेरे सुख की निरंतरता संभव है। सही समझ और सही भाव के आधार पर ही सुख की निरंतरता संभव है। इसको हम अगले 5 दिनों में विस्तार में एक एक बात को समझने के प्रयास करेंगे, और उसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इस सारी बात को हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि आनंद पूर्वक जीने का अर्थ है कि हम जो जिन 4 स्तरों पर जीते हैं, स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, हम हर समय इन 4 स्तरों पर रहते हैं। हम स्वयं में हर समय विचार रहते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं में समझते हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी परिवार में हम रहते हैं, जिसको हम अपना परिवार समझते हैं, फिर एक बड़े समाज के साथ, पूरे समाज का हम हिस्सा हैं, और फिर साथ ही साथ केवल मानव समाज के साथ नहीं, तो हम पूरी प्रकृति के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो स्वयं के स्तर पर हमारा मन स्वस्थ हो, ये आवश्यक है सुख की निरंतरता के लिए। इसका अर्थ है कि मन में सही समझ हो, सही भाव विचार हो, और हमें जो चीज जैसी है वैसा सत्य का ज्ञान हो। अगर हमें कुछ चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते। तो ये चीज कैसी है, क्या है, इसके बारे में ज्ञान होना, और इसके प्रति प्रेम का भाव होना कि ये चीज के साथ हूं मैं, ये चीज है और इसके साथ ही मुझे रहना है, तो मैं प्रेम पूर्वक रह करके ही स्वस्थ रह सकता हूँ, मेरा मन स्वस्थ रह सकता है, मैं सुखी रह सकता हूँ। तो ये स्वस्थ मन में इन बातों की चर्चा हम अगले 5 दिनों के अंदर करेंगे। और मन स्वस्थ है, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो भी मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ। तो शरीर में स्वास्थ्य केवल ये नहीं कि रोगी हो जाएगा तो उस रोग को ऐसे कैसे दूर किया जा सकता है, इलाज की बात नहीं, इलाज की आवश्यकता ही ना पड़े इस प्रकार का स्वस्थ शरीर। और हम जानते हैं कि केवल अपना स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर से ही हम सुखी नहीं रह सकते हैं, तो अपने आसपास जो हो रहा है, अपने आसपास की जो व्यवस्था है, जो वातावरण है, उसमें अगर हम सही तरीके से भागीदारी नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उसमें भागीदारी करने के लिए, उस वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो हमारे वातावरण में 3 हिस्से, एक हमारा परिवार, पूरा समाज, और ये पूरी प्रकृति, ये अस्तित्व, परिवार के अंदर संबंध पूर्वक और समृद्धि पूर्वक जीना, कि जो भी आवश्यकताएं परिवार की हैं, उन आवश्यकताओं में हम स्वावलंबी हैं, हमारे पास केवल जितनी आवश्यकता है उतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा हमारे पास है, ताकि हम उसका वितरण भी कर सकें, हम दूसरों के साथ उसकी शेयरिंग भी कर सकें। और स्वस्थ समाज में क्या होता है, तो न्यायपूर्ण समाज होता है, न्याय और व्यवस्था से संपन्न होता है, वहाँ अन्याय और अव्यवस्था का स्थान नहीं होता है, और वो सबके हित के लिए होता है, सबके सुख के लिए होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समाज के अंदर अगर किसी भी प्रकार का अन्याय है, अव्यवस्था है, कुछ लोगों का हित है, बाकी लोगों का हित नहीं है, तो वो समाज स्वस्थ समाज नहीं कहला सकता है। किसी प्रकार से प्रकृति के अंदर परस्पर पूरकता है, और उस पूरकता के आधार पर दृष्टि हम स्वस्थ प्रकृति की बात जो है वो विचार कर सकते हैं। तो आनंद पूर्वक जीने के लिए ये मुख्य चीजें ध्यान में आती हैं, और उसके लिए वैसा अगर जीना है तो क्या अपनी तैयारी चाहिए, तो सबसे पहला 2-3 बिंदु ध्यान में आते हैं। तो पहला बिंदु है कि आनंद को समझना, स्वयं में सही समझ। तो किस चीज की समझ, तो वो वास्तविकता की, कि वास्तव में है क्या, मैं
स्वयं क्या हूँ, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, और उसके अंदर मेरी भागीदारी क्या है, मैं मुझे उसमें जीना है यानी क्या होना है, तो इसको कहते हैं सत्य का साक्षात्कार, उस वास्तविकता का ध्यान में होना। शब्दों में बोलते हैं हम, शब्दों का अर्थ भी समझते हैं, लेकिन वो उसके पीछे की वस्तु क्या है ये अगर ध्यान में नहीं आती है तो शब्द और अर्थ से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे पानी एक शब्द है और इसको हम किसी दूसरे को, अगर उसने देखा नहीं है पानी लेकिन उसको पानी हिंदी भाषा नहीं आती तो हम उसको कहेंगे वाटर, हम जो भी उसकी भाषा है उसमें जो पानी को कहते हैं वो भी बोल देंगे, लेकिन उसने पानी को कभी देखा नहीं है तो शब्द से उसको ध्यान में नहीं आएगा। फिर हम कहेंगे कि इससे प्यास बुझती है, ये जो है वो गीला कर देता है, ये बहता है, परंतु अगर उसने कभी पानी देखा ही नहीं है, प्यास बुझने का उसको पता ही नहीं है क्या अर्थ होता है, बहने का क्या अर्थ होता है, गीला करने का क्या अर्थ होता है, तो भी केवल शब्द से और अर्थ से नहीं समझ पाता है। परंतु एक बार अगर उसने पानी को देख लिया कि ये पानी है, तो फिर उससे वो शीतलता का भी अनुभव कर पाता है, वो अपनी प्यास भी बुझा पाता है, वो गीलापन को भी देख पाता है, उसके बहाव को भी देख पाता है, फिर भूलता नहीं है, फिर किसी भी भाषा में हमने कहा, किसी भी कोई भी शब्द का प्रयोग किया, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो जब तक पानी को देखा नहीं तब तक प्यास बुझने का अनुभव नहीं होता है। इसलिए सत्य का स्वयं साक्षात्कार होना ये आनंद के लिए आवश्यक है। और ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ चर्चा, प्रश्नोत्तर, संवाद, सतत संवाद के माध्यम से, स्वावलोकन शब्द का प्रयोग किया अभी अखिलेश जी ने, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हम उस चीज को स्वयं में देख पाते हैं, देख सकते हैं, ये आनंद की दिशा में, ये आनंद का एक प्रमुख आधार है वो सत्य। और फिर उस सत्य को देखने पर आनंद पूर्वक जीने कैसे हो सकता है ये ध्यान में होने पर, तो फिर वैसा भाव और वैसा विचार, स्वयं में सही भाव विचार जीने के हर स्तर पर, स्वयं के साथ भी, परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी, प्रकृति के साथ, और ये जब हम जीने जाते हैं तो प्रेम का भाव और करुणापूर्ण व्यवहार, तो इसको प्रेम और करुणा, जहां प्रेम और करुणा नहीं है वहां हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते, जहां सत्य का ज्ञान नहीं है वहां हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरी बात है कि आनंद पूर्वक जीने के लिए आनंद को समझना, आनंद के जीने का भाव विचार होना केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो आनंद पूर्वक जीना और हर स्तर पर जीना, स्वयं में जीना, परिवार में जीना, प्रकृति में जीना, समाज में जीना, और ये जीना तब सही हो पाता है, इसको हम आनंद पूर्वक आचरण करना भी बोल सकते हैं, कि जब हम सर्व शुभ के लिए कार्य करते हैं, जिसको सर्वे भवन्तु सुखिना भी कहते हैं, जिसको वेल बीइंग ऑफ ऑल भी कहते हैं, जब हम सर्व शुभ के लिए कार्य करते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, करुणा पूर्ण विचार करते हैं और सत्य को मन में ध्यान रखते हुए ये सब कार्य करते हैं, तो फिर हम आनंद की को अपने स्वयं में देख पाते हैं और निरंतर आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो इस दिशा में अपनी बात को फिर से एक अलग तरीके से कहना हो तो आपके सामने ये जो एक स्लाइड है, तो ध्यान में आता है कि आनंद पूर्वक जीने के लिए हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव और मन में चाहिए और शरीर में स्वास्थ्य चाहिए। तो ये हर व्यक्ति में चाहिए, कोई 10 लोग सही समझ जाएंगे, 50 लोग सही समझ जाएंगे, 5 लाख लोग सही समझ जाएंगे, ऐसा नहीं, तो पूरी जनसंख्या हर एक को अपने स्तर पर जैसा जिसके लिए आवश्यक है, तो उसको सत्य की समझ और सही भाव मन में और शरीर में स्वास्थ्य, ये पहली चीज आवश्यक है कि हर व्यक्ति में होना चाहिए।
और व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, व्यक्ति परिवार में रहता है, तो हर परिवार में समृद्धि का भाव हर समय ये ध्यान में आना चाहिए कि मुझे जो भी आवश्यक है, मुझे अगर सर्दी के अंदर गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, मुझे गर्मी के अंदर इस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है कि मैं सही तरीके से अपने सारे काम कर सकूं, सही तरीके से सो सकूं, सही तरीके से अपने जीवन की आवश्यकताओं की के काम कर सकूं, भूख लगने पर मुझे भोजन मिल सके, प्यास लगने पर मुझे सही पानी मिल सके, मुझे आना जाना है तो मुझे सही वाहन उपलब्ध हो, मुझे किसी से दूर बात करनी है तो वो मुझे दूरभाष की, मोबाइल की, दूरदर्शन की, दूरगमन की जो भी सुविधाएं हैं वो मुझे प्राप्त हों, ऐसा हर परिवार में उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसी समृद्धि होनी चाहिए। और समाज के अंदर आपस में विश्वास का भाव होना चाहिए, मैं उसको जानता हूं चाहे नहीं जानता हूं, वो मेरे परिवार का हिस्सा है, परिवार के बाहर का हिस्सा है, मुझे उससे कोई भय नहीं है। एक अभय का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण, ये आनंद के लिए आवश्यक है। अगर मुझे भय है कि कोई मुझे लूट लेगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे चोरी कर लेगा, कोई मेरे साथ अपराध कर देगा, तो फिर मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ, फिर मैं आनंद का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। तो आनंद का आधार केवल मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं परिवार के साथ कैसे जी रहा हूँ, मैं समाज के साथ कैसे जी रहा हूँ, और फिर प्रकृति के साथ, कि आज हमको लगता है कि इस पेट्रोल से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सारे वाहन चल सकते हैं, बहुत सारे हमारे कारखाने चल सकते हैं, लेकिन और जब ध्यान में आता है कि अरे ये तो धरती के अंदर असीमित नहीं है, ये तो सीमित है, ये तो इतने साल ही अब रह गया, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा प्रकृति के साथ बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि प्रकृति के मौसम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, तो उसके स्थान पर सह अस्तित्व का भाव कि प्रकृति भी समृद्ध हो, हम भी समृद्ध हो, इस भाव के साथ जीते हैं तभी हम आनंदित रह सकते हैं, अन्यथा हम आनंदित नहीं रह सकते। ये है आनंद का आधार। लेकिन आज जो हो रहा है, जो कंफ्यूजन है, जो आधारभूत भ्रम है, तो मान्यता बनी हुई है कि पैसा ही सब कुछ है ऐसा व्यक्ति के अंदर, और कुछ लोगों के अंदर परिवार में नहीं, कुछ लोगों में कि भाई सुविधा संग्रह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास टीवी फ्रिज एसी सब हो जाएगा तो बस उससे हमारा सुख सुनिश्चित हो जाएगा। तो ध्यान में आता है कि समाज में इन मान्यताओं के कारण से भोग उन्माद कि बस कंजम्पशन करते जाना और उससे हम सुखी हो जाएंगे, लाभ अनुमाद कि कम देकर के ज्यादा कैसे हम ले सकते हैं, ये जो व्यापार वाली मानसिकता है, नौकरी वाली मानसिकता में भी कि ऐसी नौकरी मिल जाए कि कम काम करना पड़े, अधिक सैलरी मिल जाए, और इस दिशा में कि कैसे मैं कुछ ऐसी डिग्री प्राप्त कर लूं जिसमें मुझे काम नहीं करना पड़े और मुझे पैसे खूब मिल जाए, तो इसको लाभ की मानसिकता कहते हैं, लाभ उन्माद। और काम अनुमाद कि मुझे शारीरिक सुख इस प्रकार का जितना अधिक से अधिक मिलेगा मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ध्यान में आता है कि सुख मिलने के स्थान पर, आनंद मिलने के स्थान पर हम एक उन्माद में घूम रहे हैं, जिस कारण से अपने अंतिम समय तक हम स्वयं में सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो एक आधारभूत कंफ्यूजन, आधारभूत भ्रम के कारण से ये चीज ध्यान में आ रही। समाज में क्या लगता है कि भय को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर कोई शासन होना चाहिए, हम दूसरे को काबू कर सकें, उसके ऊपर डोमिनेट कर सकें, उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, उसका शोषण कर सकें, तो फिर हम स्वयं सुखी हो सकते हैं। और ध्यान में आता है कि इसके कारण से जो भाव चल रहा है कि कैसे प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण कर सकें, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकें, प्रकृति के साथ सहभागी होने के स्थान पर, उसके साथ सह अस्तित्व का भाव होने के स्थान पर, उससे कैसे अधिक से अधिक निचोड़ लें, और उसके कारण से जो समस्याएं आ रही हैं वो आ रहा है कि रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, संसाधनों का अभाव हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और
चीजें ज्यादा से ज्यादा परेशानी वाली खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम सब लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, चाहे शिक्षण संस्थाओं में लगे हुए हैं, चाहे परिवारों में माता पिता के रूप में अगली पीढ़ी के साथ कार्य करने में लगे हैं, या आनंदक के रूप में गांव गांव में शहर शहर में अपने आसपास के सारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपना मुख्य जो कार्य है वो इस परिमार्जन का कार्य है कि जो आज की स्थिति दिखाई दे रही है व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ, उस स्थिति से जो सही स्थिति है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये बदलाव कौन सा बदलाव है, किस स्थिति से कहाँ तक जाना है, उसके कैसे स्टेप्स हो सकते हैं, ये अपने को इन 5 दिनों के अंदर चर्चा करनी है। ये आवश्यकता है, ये इस सारे काम का उद्देश्य है, लक्ष्य है, ये मैंने पहले सत्र में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट। और उस दृष्टि से जो कार्यक्रम बना है, जो योजना बनी है, कि सबसे पहले 5 दिनों का एक राज्य स्तर का इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था जिसमें मुख्य अधिकारी रहे, ये उसका पर्पस था। उस दृष्टि से तो वो जैसा अखिलेश जी ने बताया कि 1-2 घंटे का कार्यक्रम हुआ था, और अब अगले उस दृष्टि से कि जो लोग प्रांत में जिला स्तर पर बाकी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे लगभग 125 आनंदक की बात थी, इस समय 152 लोग आज जैसे जुड़े हुए हैं, तो ये उस दिशा में है। लेकिन आगे हम अगले स्टेप में चाहते हैं कि सभी गांव स्तर के जो अपने आनंदक हैं वो सब लोग इस काम के साथ जुड़ सकें। तो इस ये जो 5 दिनों का कार्यक्रम होगा इसको आप देखेंगे, आपका जैसा अनुभव आएगा, जैसा आपका फीडबैक होगा, जैसी आपकी आवश्यकता आपको महसूस होगी, तो ऐसी योजना है कि फिर गांव स्तर तक जितने भी अपने आनंदक इस राज्य आनंद संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं उन सबके साथ इस प्रकार के 5-5 दिनों के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सके। तो ये सारा काम AICT की जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन इंडक्शन प्रोग्राम है उसके सहयोग से, और जो UHV टीम है, UHV टीम में जो अपने सब रिसोर्स पर्सन हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो सब अपने स्वप्रेरित होकर के किसी भी प्रकार का ऑनरेरियम ना AICT से ना राज्य आनंद संस्थान से लेते हुए इस सारे काम को करने के लिए उत्साहित हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम सब लोग मिलकर के कर सकते हैं और इस कारण से इस प्रकार की योजना बनी है। लेकिन आप सब इसमें जब भाग लेंगे 5 दिन में तो जैसा आपका फीडबैक होगा उसके अनुसार इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकेगा। AICT के जो अपने चेयरमैन हैं प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, उन्होंने उनके लीडरशिप में अंदर पूरी टोली ने इस काम को आगे बढ़ाया है, और ये 5-5 दिन के जो कार्यक्रम है ये इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही सफल रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में 30,000 से अधिक शिक्षकों के साथ इस काम को किया जा सका है, जिसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। हमारे अनिल सहस्त्रबुद्धे जी तो कहते हैं, इट हैज बीन अ गेम चेंजिंग वर्क ongoing from AICT for the last 3 years। ये जो पिछले 3 वर्षों से प्रयास हो रहा है ये तो वास्तव में जिसको कहना चाहिए कि क्वांटम चेंज हो रहा है, ऐसे इंक्रीमेंटल चेंज थोड़ा थोड़ा करके नहीं, तो एकदम दिशा परिवर्तन की बात है, उस परिमार्जन की बात है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ सकें। और उसमें जो योजना राज्य आनंद संस्थान ने बनाई है और उसमें हम पूरा सहयोग करना चाहेंगे। ये जो भी सामग्री आपके साथ चर्चा में आएगी, जैसे ये PPT मैंने आपके साथ शेयर की, ये अब राज्य आनंद संस्थान के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, सारी शिक्षण सामग्री उस पर रहेगी। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे UHV टीम की ओर से प्रोफेसर सोमानी जी जैसे होगी वो आपके साथ करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी बात
इस आनंद का आधार स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ वातावरण, इस बात को मैं पूरा कर रहा हूँ। और मैं प्रोफेसर सोमानी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आगे इस चर्चा को बढ़ाएं। और ये सारा मुझे बताया गया कि सोमानी जी आपके साथ 5 दिन वेबिनार में जुड़े रहेंगे और जो भी आगे की दिशा बनेगी उसमें हम सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।